और चलिए इस दौरान एक बहुत बड़ी खबर की बात करते हैं। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव से मुकाबला हो सकता है एसपी सिंह बघेल का। केंद्रीय मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, और अगर एसपी सिंह बघेल के बारे में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के पद पर वो तैनात रहे थे। शुरुआत उनकी हुई थी 2017 में, टुंडला से चुनाव लड़े, जीत के आए, फिर मंत्री बने, और अब ये खबर है कि करहल से चुनाव लड़ सकते हैं। कुंदन हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन, क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल, अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे जसपी सिंह बघेल है, जो कि आगरा से सांसद है और एमओएस लॉ है, जस्टिस है, वो मंत्री है केंद्र में, और बड़े चेहरे के, बड़े आप चेहरे के तौर पे, और खासकर इस रीजन के बात कह सकते हैं, और वो अभी जो जिला मुख्यालय मैनपुरी है वहाँ मौजूद भी है, वहाँ पे आए हुए हैं, और अगर वो प्रत्याशी के तौर पे वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की कोशिश रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकली आप देखिए तो वो इसी रीजन से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, और वो खुद बतौर प्रत्याशी के तौर पे वो अखिलेश यादव के खिलाफ लोकसभा से भी, उनकी पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ, और यहाँ तक कि अक्षय यादव जो कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे हैं, उन तीनों के खिलाफ वो लोकसभा में प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ चुके हैं। सो बीजेपी एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो पहले भी किसी किसी मौके पे इनके परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ चुका हो, और वो चेहरा के तौर पे एसपी सिंह बघेल को पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है, और उनका नॉमिनेशन की प्रक्रिया उम्मीद है कि आज होगी। कुंदन, ये भी कहा जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल लगातार जीते आए हैं। 2017 में टुंडला से चुनाव लड़ा, जीते, मंत्री बनाए गए, फिर आगरा लोकसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया गया, तब भी वो जीते, और शानदार उन्होंने वहां पर जनता के बीच में अपनी पकड़ भी बनाई। और ये भी कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की जब सुरक्षा में लगे थे तब एसपी सिंह बघेल ने मुलायम सिंह यादव का भी दिल जीत लिया था, और ऐसे में बीजेपी का कह सकते हैं कि एक्स फैक्टर हो सकता है आमने सामने से मुकाबला कराना। बिल्कुल, एसपी सिंह बघेल के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर के तौर पे उन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी, और मुलायम सिंह यादव के निजी अंगरक्षक के तौर पे काम किया था, और इसके बाद वहीं से उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और समाजवादी पार्टी से लेकर, बहुजन समाज पार्टी से लेकर, अब वो बीजेपी के साथ है। 2014 में समाजवादी बीएसपी के राज्यसभा सांसद से मिड टर्म इस्तीफा देके वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, और फैजाबाद से चुनाव लड़ा था जहां उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीतने के बाद योगी सरकार में शुरुआती दौर पे वो मंत्री भी थे, और इसके बाद वो इस्तीफा देने के बाद फिर लोकसभा के चुनाव में 2019 से आगरा से बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते, और एक बार फिर मौजूदा समय में हाल के रिसफल में वो मंत्री हैं, और एक बार फिर आज करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ वो प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुंदन, सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि बीजेपी इंतजार कर रही थी, अभी तक पत्ते नहीं खोले थे, और इंतजार यही किया जा रहा था कि कोई एक बड़ा कद्दावर चेहरा लाया जाए, और उन्होंने उस शख्स को चुना जिसका राजनीतिक सफर की शुरुआत खुद मुलायम सिंह यादव ने की थी, जलेसर विधानसभा से टिकट दिया था उन्हें। न केवल उनकी जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई थी, बल्कि बाद के दिनों में कई मोर्चों पे उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वो खुद अखिलेश यादव के खिलाफ भी बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा में, हाल में 2014 के चुनाव में रामगोपाल, प्रोफेसर। बिल्कुल, ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और सभी की नजर भी इस पर बनी होगी। अगर एसपी सिंह बघेल, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है, अगर वो अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं